प्यारे बच्चों, आज मैं क्लास 10th में चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में एक्सरसाइज 13.4 बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्ष कोण 60 डिग्री वाले एक शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाते हुए एक तल से दो भागों में काटा गया है, जबकि तल शंकु के आधार के समानांतर है, पैरेलल है। यदि इस प्राप्त शंकु के छिन्न को व्यास 1/16 मतलब 1.16 सेंटीमीटर वाले एक तार के रूप में बदल दिया जाता है तो तार की लंबाई ज्ञात करो। कहने का मतलब, ये हमारा शंकु है जिसका शीर्ष कोण 60 डिग्री है और इस शंकु की जो हाइट है, ऊंचाई है, वो 20 सेंटीमीटर है। इस शंकु को आधार के पैरेलल, ये हमारा बेस हो जाएगा इसका, आधार के पैरेलल और इसके बीचों बीच मतलब हाइट के बीचों बीच, हाइट का मतलब ये 20 है तो बीचों बीच का मतलब हो गया ये 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर बेस के ऊपर से और बेस के पैरेलल इसको काट दिया ऐसे करके, तो ये जो हमारा बना छिन्नक, ये इस तरह से बना छिन्नक हमारा, ये छिन्नक बन गया। इसको पिघलाकर व्यास डायमीटर 1/16 सेंटीमीटर का एक लंबा तार बनाया, ये हमारा कोई तार है। तो ये पूछ रहा है इस तार जो बना इसकी लंबाई लेंथ क्या होगी, क्लियर, ये हमको निकालना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे इसका छिन्नक का वॉल्यूम, उसके बाद में ये जो तार है इसका निकालेंगे वॉल्यूम, दोनों वॉल्यूम को बराबर कर देंगे तब जाके तार की लंबाई निकल के आएगी। लेकिन ये छिन्नक है, इस छिन्नक का हमें ये डायमीटर या ये बोलते हैं ये रेडियस हमको नहीं मालूम है, और ऊपर वाला भी ये भी रेडियस है ये भी हमको नहीं मालूम है, तो हमें सबसे पहले ये दोनों रेडियस निकालनी पड़ेंगी। हाइट हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, क्योंकि इस शंकु को बीचों बीच से काटा, पूरा ये हाइट 20 सेंटीमीटर है तो ये हो जाएगी इसकी 10 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है इसका ये रेडियस, ये हमने मान लिया R1 और ये मान लिया हमने R2। अब ये कैसे निकालेंगे, ये जो हमें शीर्ष कोण दिया है, इस शीर्ष कोण से हम इसका निकालेंगे ये R2 और R1, इसीलिए हमको ये दिया है शीर्ष कोण, क्लियर। कैसे करेंगे, माना हम इसको अभी हटा दें, समझे ये हमने काटा नहीं है और हमने इसको हटा दिया, क्लियर। ये इसकी हाइट हो गई और ये हो गया, क्लियर। हम इसको नाम दें तो ये हो जाएगा A, B और C, ये ABC हो गया हमारा शंकु, क्लियर। लिखेंगे, माना ABC दिया हुआ शंकु है, क्लियर, जिसका शीर्ष कोण BAC इक्वल टू 60 डिग्री, क्लियर, BC शंकु के आधार का व्यास है, वह यहां पे बन जाए इसको पॉइंट O, वह OC शंकु के आधार की त्रिज्या क्या है, ये एंगल है 90 डिग्री का, है ना, ये पूरा एंगल है 60 का, तो ये एंगल कितने का हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका आधा मतलब 30 डिग्री का, तो ये हो गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज AOC, है ना। लिखेंगे, समकोण त्रिभुज AOC में
हमारा एंगल ये है, मैंने पहले बताया था ट्रिग्नोमेट्री में, ये एंगल जिन दो भुजाओं से बनता है, ये वाला एंगल हमारा एक पे इस भुजा से बन रहा है एसी से और बन रहा है एओ से, तो इन दोनों भुजाओं में जो छोटी भुजा है वो आधार होगी और जो बड़ी भुजा है वो कर्ण होगी, और जो भुजा बचती है तीसरी ओसी ये हो जाएगी लंब। तो समकोण त्रिभुज एओसी में एओ हो गया हमारा आधार, एसी हो गया कर्ण, क्लियर। हमें ये ओसी निकालना है तो लंब निकालना है और आधार हमको दे रखा है 20 सेंटीमीटर, साइन कॉस टेन में क्या लगेगा, इसमें लगेगा टेन, टेन होता है लंब बटे आधार, होता है ना। ध्यान लगाएंगे हम टेन थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार इक्वल टू लंब हो जाएगा हमारा ये ओसी अपॉन आधार हो जाएगा एओ, क्लियर। टेन थीटा, थीटा हमारा ये 30 डिग्री, तो लिखेंगे 30 डिग्री इक्वल टू ओसी, ओसी हमने आर वन माना है, ये हो जाएगा आर वन अपॉन एओ, एओ हमारा ये हाइट है शंकु की 20 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 20 tan 30, कमान क्या होता है 1/√3 होता है ना, 1/√3 इक्वल टू आर वन अपॉन 20। अब करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा √3 आर वन इक्वल टू 20, देयरफॉर आर वन इक्वल टू 20/√3, क्लियर। √3 बटे में आ रहा है, इसका करेंगे हम परिवर्तीकरण, कहने का मतलब √3 का हम ऊपर और नीचे करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 20√3 अपॉन √3 × √3, 3 हो जाएगा, तो ये आ गई हमारी निकल के आर वन इक्वल टू आर वन, क्लियर, ये सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 20√3/3। अब हमको निकालना है ये ऊपर वाला आर टू, ये वाला हमने यहां इसको को काट दिया, इसको नाम देते हैं ए बी सी, तो ये हो गया, यहां दे दे हम डी और यहां दे दे हम ई, क्लियर। और ये जो पॉइंट है इसको दे दे हम ओ डैश, यहां से लेके यहां तक ये तो हो गई 10, और ये जो बची हमारी ऊपर वाली ये भी 10 हो जाएगी, क्योंकि शंकु को हमने बीचों बीच से काटा है, इसको मान लिया हमने ओ डैश, ये ओ डैश डी हो जाएगी, ओ डैश डी, और ये हो गया हमारा यहां से लेके यहां तक ओ सी, ओ सी, क्लियर। ये इसकी हाइट हो गई 10 सेंटीमीटर ये वाली, तो ये देखो एक ये भी बन गया समकोण त्रिभुज बनाना, तो यहां लिखेंगे हम समकोण त्रिभुज ए ओ डैश डी में, इस वाले में दिया आपने छोटे वाले में, यहां भी हम टेन लगाएंगे तो हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार, टेन यहां भी टेन 30 है थीटा का मान, लंब हो जाएगा ओ डैश डी, ओ डैश डी अपॉन आधार हो जाएगा ए ओ डैश, ए ओ डैश टेन 30 का मान 1/√3 हो जाएगा, 1/√3 इक्वल टू ओ डैश डी, ओ डैश डी ये हमने माना आर टू, तो ये हो गया आर टू अपॉन ए ओ डैश, ए ओ डैश ये तो 10 हो गया, यहां भी करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, हो जाएगा √3 आर टू इक्वल टू 10, देयरफॉर आर टू इक्वल टू 10/√3, यहां भी हम करेंगे परिवर्तीकरण, तो √3 कर देंगे ऊपर मल्टीप्लाई और √3 कर देंगे नीचे मल्टीप्लाई, तो ये हो गया हमारा 10√3/3,
ये हो गया आर टू सेंटीमीटर। क्लियर, ये आर टू आ गई टेन रूट थ्री अपॉन थ्री। क्लियर, अब निकालेंगे हम छिन्नक बी सी डी ई का आयतन। छिन्नक बी सी डी ई का आयतन इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है वन अपॉन थ्री पाई इंटू एच ब्रैकेट में आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर प्लस आर वन इंटू आर टू। अब इसमें एच आर वन और आर टू के मान लगा देंगे, पाई का मान नहीं लगाएंगे, पाई बाद में कट जाएगा। आर वन का मान आया था अभी ट्वेंटी अपॉन रूट थ्री और हमने किया इसका प्रमेयीकरण, तो यहाँ इसका प्रमेयीकरण करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम इसको यही छोड़ देंगे क्योंकि कैलकुलेशन में आसानी रहेगी। तो हम लिखेंगे आर वन को ट्वेंटी अपॉन रूट थ्री। क्लियर, इसी तरीके से आर टू में यहाँ भी प्रमेयीकरण करना जरूरी नहीं है, तुम्हारा आर टू का मान हो गया था टेन अपॉन रूट थ्री। क्लियर, ये एच और आर वन आर टू के मान लगाएंगे यहां से वन अपॉन थ्री पाई इंटू एच का मान टेन है ओडेस ब्रैकेट में आर वन, आर वन है ट्वेंटी अपॉन रूट थ्री, ये हो जाएगा ट्वेंटी अपॉन रूट थ्री का होल स्क्वायर प्लस आर टू है टेन रूट थ्री, टेन रूट थ्री का होल स्क्वायर प्लस आर वन इंटू आर टू, आर वन है ट्वेंटी अपॉन रूट थ्री मल्टीप्लाई आर टू है टेन अपॉन रूट थ्री। क्लियर, अब इक्वल टू वन अपॉन थ्री पाई इंटू टेन ब्रैकेट में ट्वेंटी अपॉन रूट थ्री, इसका हमें करना है स्क्वायर ट्वेंटी अपॉन रूट थ्री का करेंगे स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ट्वेंटी का स्क्वायर अपॉन रूट थ्री का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो ये हो जाएगा ट्वेंटी स्क्वायर हो जाएगा फोर हंड्रेड अपॉन थ्री, तो यहां लिखेंगे हम फोर हंड्रेड अपॉन थ्री प्लस, इसी तरह से यहां हो जाएगा टेन का स्क्वायर हो जाएगा हंड्रेड अपॉन रूट थ्री का स्क्वायर हो जाएगा थ्री प्लस ट्वेंटी इंटू टेन, ये हो गया टू हंड्रेड अपॉन रूट थ्री इंटू रूट थ्री, थ्री हो जाएगा। क्लियर, इक्वल टू वन अपॉन थ्री पाई इंटू टेन ब्रैकेट में इनका एलसीएम थ्री आएगा फोर हंड्रेड प्लस हंड्रेड प्लस टू हंड्रेड, ये हो गया, ये हो जाएगा टेन पाई अपॉन थ्री मल्टीप्लाई फोर हंड्रेड प्लस हंड्रेड प्लस टू हंड्रेड, ये हो जाएगा सेवन हंड्रेड अपॉन थ्री, ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया हमारा इस छिन्न का वॉल्यूम। क्लियर, इस छिन्न को पिघला के 160 सेंटीमीटर व्यास वाला एक तार बनाया, लिखेंगे छिन्नक बी सी डी ई को पिघलाकर वन अपॉन सिक्सटीन सेंटीमीटर व्यास का एक तार बनाया, लिखेंगे माना बने तार की लंबाई इक्वल टू एल हो, मान लो उसको ये लंबाई हमने एल मान ली, ये हमने तार बनाया। अब ये तार क्या है, ये तार है बेलन के आकार का, है ना, तो यहां लगाएंगे फॉर्मूला हम तार का वॉल्यूम निकालने के लिए बेलन का आयतन वाला, लिखेंगे इसीलिए तार का आयतन बराबर हो जाएगा बेलन का आयतन। क्लियर, इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू एच इक्वल टू एच के साथ मान लाएंगे हम ये एल
क्योंकि तार की लंबाई हमारी एल है, हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एल। क्लियर। यहाँ तार का व्यास है 1.60 सेंटीमीटर, लिखेंगे तार का व्यास इक्वल टू 1.16 सेंटीमीटर, इसीलिए तार की त्रिज्या रेडियस क्या होती है, डायमीटर पॉइंट टू, तो ये हो जाएगा 1.16 डिवाइड बाई 2, इसका मान लेंगे हम अपॉन 1 हर को इक्वल टू, ये हो जाएगा 1.16 मल्टीप्लाई, इसको पलट देंगे तो जाएगा 1.2 इक्वल टू 1 इंटू 1 1 हो गया, अपॉन 16 इंटू 2 हो जाएगा 32 सेंटीमीटर। तो ये आ गई हमारी इस तार की त्रिज्या। क्लियर। ये तार इस छिन्न को पिघला के बनाया है, इसलिए इस तार का वॉल्यूम बराबर होगा इस छिन्न के वॉल्यूम के बराबर, तो लिखेंगे इसीलिए तार का आयतन बराबर होगा छिन्नक बी सी डी ई का आयतन। तार का आयतन क्या आ गया, तार का आयतन आया हमारा ये पाई आर स्क्वायर एल, पाई आर स्क्वायर एल इक्वल टू छिन्न का आयतन, छिन्न का आयतन आया था हमारा ये टेन पाई अपॉन 3 मल्टीप्लाई 700 अपॉन 3। क्लियर। पाई पाई से पाई कट जाएगा, आर आर का मान हम ये लगाएंगे 1/32, ये जाएगा 1/32, ये स्क्वायर हो रहा है यहाँ, इसका करेंगे होल स्क्वायर इंटू एल इक्वल टू, ये हो जाएगा 10 इंटू 700 हो जाएगा 7000 अपॉन 3×3=9। क्लियर। ये हो जाएगा 1/32 का करेंगे हम स्क्वायर, ये है हमारा 1024 इंटू एल इक्वल टू 7000/9। अब करेंगे यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 9 इंटू एल, 9L इक्वल टू 7000 मल्टीप्लाई 1024, 1024 देयरफोर L इक्वल टू 7000 मल्टीप्लाई 1024 अपॉन 9। क्लियर। 7000 मल्टीप्लाई 1024, तो हम करेंगे 7 से करेंगे मल्टीप्लाई 1024 में, तो ये आएगा हमारा 7168। यहाँ बाद में 7 के 30 है तो 30 यहाँ लगा देंगे। क्लियर। अपॉन 9 इक्वल टू, अब इस संख्या को हम करेंगे 9 से डिवाइड, ये हमारा 7,96,444.44 सेंटीमीटर। तो जो तार की लंबाई हो गई हमारी ये सेंटीमीटर में है, इसको चेंज करेंगे हम मीटर में, लिखेंगे 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर इक्वल टू, ये सेंटीमीटर है, इसमें को डिवाइड करेंगे हम 100 से, तो ये हो जाएगा 7,96,444.44 डिवाइड बाई 100 इक्वल टू, ये 20 है तो ये पॉइंट राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ आ जाएगा 2 अंक, तो हो जाएगा 7,964.44 मीटर। क्लियर। तो ये हो गई हमारी तार की लंबाई, लिखेंगे इसीलिए तार की लंबाई इक्वल टू 7,964.44 मीटर, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर। मुझे उम्मीद है क्वेश्चन समझ में अच्छी तरह आया होगा। इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 13.4 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।